चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे रीना रॉय के करियर की सभी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में। और दोस्तों, वहीं पर जानेंगे कि रीना रॉय ने अपने करियर में कितनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट और कितनी ब्लॉकबस्टर दी है। तो दोस्तों, सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके ही लाइक से हमारी असल अर्निंग है। इनकी सबसे पहली फिल्म आई थी साल 1976 में। फिल्म का नाम था नागिनी। ये मूवी साल 1976 में आई थी। ये फिल्म, इसमें हमें नजर आए थे रीना रॉय के साथ सुनील दत्त, जितेंद्र, रेखा और इसमें मुख्य किरदार में संजय खान के साथ फिरोज खान भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 2 से 2.5 करोड़ रुपए के बजट मनी दिए। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 6.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1976 में। फिल्म का नाम था काली चरण। ये मूवी साल 1976 में आई थी। ये फिल्म, इसमें हमें नजर आए थे रीना रॉय के साथ शत्रुघ्न सिन्हा अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1977 में। फिल्म का नाम था अपनापन। ये मूवी साल 1977 में आई थी। ये फिल्म, इसमें हमें नजर आए थे जितेंद्र के साथ रीना रॉय अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 3 से 4 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 7 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1979 में। फिल्म का नाम था जानी दुश्मन। ये मूवी साल 1979 में आई थी। ये फिल्म, इसमें रीना रॉय के साथ संजीव कुमार, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और भी एक्टर इसमें अहम किरदार में थे। इसमें सुनील दत्त भी मुख्य किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 4 से 5 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 8 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 8.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1981 में। फिल्म का नाम था नसीब। ये मूवी साल 1981 में आई थी। ये फिल्म, इसमें हमें नजर आए थे रीना रॉय के साथ अनिता वच्चन के साथ हेमा मालिनी भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 4 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 7.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1983 में। फिल्म का नाम था अंधा कानून। ये मूवी साल 1983 में आई थी। ये फिल्म, इसमें हमें नजर आए थे रीना रॉय के साथ अनिता वच्चन, हेमा मालिनी, रजनीकांत जैसे सुपरस्टार अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट जो था वो तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर
4 से 5 करोड़ रुपए कमाई थी। वही पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 6 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1983 में, फिल्म का नाम था अर्पण। ये मूवी साल 1983 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे रवीना रॉय के साथ, जितेंद्र अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए होता चलूं कि इस फिल्म का बजट जो था वो तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5.5 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 7 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1983 में, फिल्म का नाम था नौकर बीवी का। ये मूवी साल 1983 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे रीना रॉय के साथ धर्मेंद्र, अनीता राज और इसमें मुख्य किरदार में संजय कपूर भी अहम किरदार में थे और कादर खान भी मुख्य किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो बजट इस फिल्म का तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 7 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1984 में, फिल्म का नाम था राज तिलक। ये मूवी साल 1984 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे सुनील दत्त के साथ रीना राय, राजकुमार और धर्मेंद्र भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 4 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 6.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर डुपर हिट करार दी गई थी। तो दोस्तों ये रही रीना रॉय के करियर की सभी सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में। तो दोस्तों आपकी इन सभी फिल्मों में से कौन सी मूवी आपके ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि रीना रॉय के करियर की हमने सभी फिल्मों पर वीडियो बना दिया है, यानी कि रीना रॉय ने अपने करियर में कितनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप दी हैं, कितनी एवरेज दी है, कितनी सेमी हिट दी हैं। और ये आखिरी वीडियो जिसमें हमने रीना रॉय के करियर की सभी सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में बात की है। तो दोस्तों आपकी इन सभी फिल्मों में से कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप हमारी वीडियो को किस जिले कहाँ से देखते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना भी ना भूलें।